हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कहते हैं कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबियां शोर मचाएंगी। यानी कि कामयाबी जब शोर मचाती है तो उसके पीछे कहानी होती है। आज मेरे साथ एक ऐसा परिवार और उनकी एक ऐसी बेटी है जिसकी कामयाबी का शोर अब पूरी दुनिया सुन रही है। आँखों की रोशनी नहीं है, एसिड अटैक से आँखें गई, लेकिन 10वीं में जो हाल ही रिजल्ट आया अपने इंस्टीट्यूट में 95.2 नंबर लेकर टॉप किया और अपने जो हौसला अपनी हिम्मत थी उसको दिखाया। मेरे साथ है काफ़ी काफ़ी पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच सर। मुझे सवाल करते हुए और मेरे जहन में जो सवाल आ रहे हैं वो काफ़ी हैं, और आपके भी, खासकर जब आप इस चीज़ से गुजरी होंगी, 3 साल की उम्र में एसिड आपके ऊपर अटैक हुआ और आज आप 10वीं क्लास में आपने 95.2 मार्क्स ले लिए, अपने सेंटर में टॉप किया, काफ़ी मुश्किल क्या? आपका नाम काफ़ी है, काम काफ़ी बड़ा किया, लेकिन कितना मुश्किल रहा ये? सर डिफ़िकल्टीज तो काफ़ी आती हैं, लाइक हमारे लिए सैम्पल पेपर्स एंड ऑल गाइड्स वगैरह इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते, लेकिन हाँ टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, ट्यूशन लिया एंड पेरेंट्स ने मेंटली बहुत सपोर्ट किया, और इसके अलावा बाकी यूट्यूब हमारे लिए बहुत हेल्पफुल प्लेटफॉर्म रहा, लाइक वीडियोस फॉर्म में उसमें मैक्सिमम लेक्चर्स हमें मिले, तो ओवरऑल सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा एंड उनके कारण मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल देम। क्योंकि ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए अलग ही एक एजुकेशन सिस्टम होता है, ब्रेल लिपि की बात करें, तमाम चीज़ें जो होती हैं, बट एक होता है ना कि जब रोशनी नहीं है लेकिन मन के अंदर एक उम्मीद और एक आस होती है, और उन शब्दों को पढ़ना, उन अपने जहन में रखना, वो कितना का आपके लिए टफ रहा? यस, थोड़ा मुश्किल रहता है, एक हमारा थोड़ा पढ़ने का प्रोसेस, लिखने का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है आप लोगों से, थोड़ा मुश्किल रहा, थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया तो मैं कर पाई। क्या एक, अगर मैं उदाहरण पूछूं कि एक लाइन जब आप पढ़ते हो उसको किस तरह से अपने जहन में उतारते हो, फिर उसको रखना अपने अंदर? लाइक सर जो आंस हिस्ट्री एंड सिविक्स पढ़ा तो उसको अंडरस्टैंड किया बिल्कुल, तो लाइक जहाँ मैंने वहाँ क्वेश्चन देखे तो उन्हें बिल्कुल अपने शब्दों में उतारा, तो बुक्स पढ़ी एंड बुक्स में मतलब लाइक बहुत अच्छा रहता है, चैप्टर्स पढ़ के जाओ, क्वेश्चन आंसर सैम्पल पेपर प्रैक्टिस किए एंड प्रीवियस ईयर पेपर वो प्रैक्टिस किए। कितने घंटे दिन में पढ़ाई करते हो? सर 5 to 6 आवर्स हो जाता था 24 आवर्स में से। पेरेंट्स ने, वो कहानी मैं अभी शुरू दूसरी करूँगा क्योंकि आपके एजुकेशन का पार्ट है, जब आप हिसार में थी यहाँ चंडीगढ़ आई, मन में सपना था कि मैं अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है, और ख़ासकर जो एक उम्मीदें हर एक आम बच्चे के साथ होती हैं उससे अलग हटकर आपके लिए चैलेंज था? यस सर एब्सोल्युटली, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मतलब मेरा भी था कि मैं उनके लिए कुछ करूं, तो आज मेरा ये पहला स्टेप है, आई होप कि मेरा जो IAS ड्रीम है उसे पूरा करूं एंड मेरे पेरेंट्स का नाम भी रोशन करूं। आप IAS बनना चाहती हैं? हाँ जी। ये कब सोचा आपने और क्यों IAS ही क्यों चुनना? जब मैं 7th में थी तो मैंने ये सोचा था एंड आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, लाइक आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कंट्री, जो मुझे लगता है कि ऐसा इम्प्रूव होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि आई वॉन्ट टू बिकम IAS। आपने IAS बनने का सोचा बिल्कुल, और अब मुझे ये कहते भी खुशी है कि शायद वो दिन भी आएगा जब आप IAS बनेगी तब भी हम आपका इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सर, आई होप इट विल कम सून। बिल्कुल, और ये बताइए कि जब 10th के शुरू होती है प्रिपरेशन के, एग्ज़ाम आने वाले हैं, प्रेशर एक एक्स्ट्रा होता है, उस दौरान कुछ खास तैयारी, कुछ मोटिवेशन भी अपने आप को रखना पड़ता है, मोटिवेट होना पड़ता है? यस सर एब्सोल्युटली, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है, लाइक बोर्ड एग्ज़ाम्स नाम रखा हुआ है तो थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट मिला, कुछ मेडिटेशन की म्यूज़िक सुने एंड ओवरऑल लाइक ऐसे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मेंटली। क्या कहते थे पापा आपके?
तुम ज़रूर कुछ करोगी, हमेशा ऐसे कि मतलब मोटिवेट होती थी। जब एग्ज़ाम हो गए, फाइनल एग्ज़ाम जिस दिन था, उस दिन क्या था मन में? मैंने एक्सपेक्ट किया था 93 to 94, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। आई वॉज़ फीलिंग रियली वेरी ग्लैड येस्टरडे। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि 95.2 बहुत अच्छे मार्क्स आए। सच में आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा। जब रिजल्ट आया, सबसे पहले किसने बताया? मेरे फादर आए थे तो उन्होंने कहा कि आपका रिजल्ट आया है। तो फिर मैंने चेक किया वेबसाइट पे, तो प्रेस के फ़ोन आए, तो उनसे पता लगा सबसे पहले। तो अच्छा, आंखों में लगा जो रोशनी नहीं थी, लेकिन एक अंदर से भाव तो आया होगा। यस, अंदर से बहुत खुशी फील हुई, एकदम से बहुत ज़्यादा। तो नाम है काफ़ी और काम भी काफ़ी बड़ा किया, लेकिन इससे काफ़ी की जो ज़िंदगी की एक और पहलू है, 3 साल की उम्र में काफ़ी के ऊपर एसिड अटैक हुआ था। हिसार की रहने वाले हैं ये परिवार, इनके जो पिता पवन है और माता जो सुमन है, हिसार से चंडीगढ़ आए। पवन जी, 3 साल की उम्र में आप भी एक आम परिवार की तरह अपना रोजी रोटी चला रहे थे, ये घटना क्या हुई थी? सर, ये पड़ोसी ने एसिड डाल दिया था सर, हिसार में? इस नहीं, गांव बुढ़ाना में सर। अच्छा, हाँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट है सर। हैं, मैं वहाँ से बस उसी दिन निकला था सर, बच्ची को लेके। 6 साल हॉस्पिटल में पूरे मैंने बिता दिए सर। साल भर बाद मैंने गांव छोड़ दिया था सर। मैंने सोचा कि बेटी को बचा लूँ किसी तरह। अच्छा, खूब इलाज कराया सर, मेरा सब कुछ बेच के मैं लगा दिया था सर। फिर मैंने हिसार पूरा इलाज होने के बाद, ये डॉक्टर तो मना करके, भाई आँख तो नहीं आएगी। फिर मैंने एक बंदे को राय दी, भाई तो इसको पढ़ा और ले, इतना इतना कर दिया तो कुछ तो कर इसका। फिर मैंने सर, मैंने इशार रहा मैं 2 साल, हैं पहली दूसरी वहाँ कराई। फिर मैंने सर, ये 8वीं लगा, लड़के लड़कियाँ स्कूल था वहाँ। फिर मैं, ये लड़कियाँ पास जाएगी और भी अच्छी चलेगी। फिर मैंने सर देहरादून पता कराया, चंडीगढ़ पता कराया सर। चंडीगढ़ का स्कूल मैंने अच्छा लगा सर, इसलिए फिर मैं चंडीगढ़ आ गया सर। तो आपके लिए जब ये हुआ, आंखों की रोशनी चली गई, आप हैदराबाद तक गए इलाज कराने, आपने हर दरवाज़ा खटखटाया। हाँ सर, मैंने जहाँ जिसने बोला नहीं भाई यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहीं लेके गया सर मैं। तो आप करते क्या थे? सर मैं शुरू मत कुछ नहीं, मिस्त्री था जी, इंजना का मिस्त्री था जी गांव में। अच्छा, हाँ जी, आपने ठान लिया कि बेटी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़नी? हाँ जी, मैंने सब कुछ, गांव के सारे प्लाट जा के पता कर सकते हो, सारे बेच बाच के इस पे लगा दिए थे सर। कितना का आपका लगा तो? बहुत काफ़ी होगा सर, ये तो मेंट है ही नहीं सर। तो चंडीगढ़ आने का सबब कैसे बना? सर मैं चंडीगढ़, ये किसी को बताया कि देहरादून में है, चंडीगढ़ में स्कूल है, तो मैं यहाँ आ गया था सर। अच्छा, कौन से सन? 5 साल पहले? हाँ सर, 2018 में। 2018 में सर। तो काफ़ी जब चंडीगढ़ आने का फैसला कि आपसे बात हुई होगी, तो आपने भी कहा कि हाँ चंडीगढ़ जाना चाहिए। हाँ जी, वहाँ यहाँ पे स्कूल देखा था मैंने, तो बहुत अच्छा था, कंपटीशन था एंड बच्चे बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, और सर्विसेज फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। ये ट्रॉफियाँ आपकी पड़ी हैं पीछे? अच्छा, सभी ये आपने ट्रॉफी जीती हुई है। हाँ जी, नाम भी काफ़ी और काम भी आपका, मतलब जो है काफ़ी है नेचुरली। तो आप देख सकते हैं कि पवन जी, ये बताइए कि जब चंडीगढ़ आप आ गए और ब्लाइंड इंस्टीट्यूट जो है 26 में, तो यहाँ जब आई शुरुआत हुई और काफ़ी के मार्क्स 5वीं 6ठी 7वीं में शुरू आने हुए। जी सर, ये सर 5वीं में फर्स्ट आन लगी थी सर। सारे मास्टरों ने भी बहुत सारा दिया सर, भाई पढ़ाओ बहुत अच्छी है। फिर मैंने कह दिया सर, बेटा अच्छी तरह पढ़, अच्छी तरह रहो, मैं तेरे साथ। जो जो एसिड अटैक की घटना हुई आपके साथ, तो वो लोग कौन थे, क्या पकड़े गए, क्या हुआ, वो भी आपको लड़ाई लड़नी पड़ी? बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी सर। एक पार मेरा पार कोर्ट में रहता था, एक डॉक्टर के पास रहता था सर। मैंने 3 साल आंसी लड़िया सर केस, 3 साल फिर हिसार लड़िया सर, 3 साल यहाँ हाई कोर्ट में लड़िया सर। फिर उन्हें पेंडिंग में डाल दिया हिसार चंडीगढ़ सर। बहुत ज़्यादा परेशान, सजा मिली उन लोगों को? 2.5 साल की सज़ा हुई थी सर, वहाँ 1.5 साल 1.5 साल में बाहर आ गई थी। अच्छा, तो आप जो हैं एक माँ के तौर पर, जब आपकी बेटी 3 साल की थी, आम बच्चे की तरह खेलती थी, मुश्किलों का दौर शुरू हुआ, अब एक खुशी का दौर आया है, वो ये 5 7 8 साल का जो एक समय रहा, क्योंकि टफ रहा होगा आपके लिए काफ़ी, हिम्मत नहीं हारी आप लोगों ने, सबसे अहम बात ये रही। बहुत खुश हुई जी आज मैं, कल मेरी बेटी का सुन दे रिजल्ट भी, बहुत खुश हुई। आप पर के लोग भी सुबह के बहुत आ रहे हैं, सारे रिपोर्टर बहुत बहुत खुश, मैं बेटी इतने मार्क्स लेके आई। तो मुश्किलें क्या थी आपके जहन में, जो इसका ध्यान रखना काफ़ी का है ना, खाना पीना साथ रहना?
मुश्किल तो यही जी, हर एक चीज करनी पड़ती है इसकी, सारी चीजें, ये मम्मी सब कुछ मैं ही करती हूँ जी। जो भी मांगती है, पढ़ाई का मांगती है, जो भी कुछ भी, सारा ढूंढ ढूंढ के मैं ही देती हूँ। आप ही इसका देखते हैं? हाँ, मैं ही देखभाल। स्कूल कैसे आप जाते हैं? स्कूल में बस आती सर, उसमें बिठा देते हैं, कभी बस नहीं आती, खुद चले जाती सर। कभी आप अब तो खुशी का थोड़ा सा समय है, जो मुश्किल देखिए आपकी आंखों में मैं देख रहा हूँ, आंसू निकलने भी चाहिए, खुशी के आंसू हैं। थोड़ा सा ये भी बड़ा मुश्किल रहा कि जब जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन लगा कि मेहनत सफल हुई? ये तो होया जी, बहुत खुश हुई भी मैं। मेरी बेटी इतने मार्क्स लेके आई, ये कहती थी मम्मी मैं फर्स्ट नहीं आऊँगी अबकी बार मुश्किल में, ये कहती थी नहीं बेटा तू फर्स्ट आएगी। पर ये इतना ये नहीं पता था भी मेरी बेटी इतने मार्क्स लेके आएगी। तो ये कहती थी 80-85 के पॉइंट इतने नंबर लेके आएगी। मैं कहती थी चलो बेटा कोई नहीं, तू फर्स्ट पास हो जाए, वही बहुत है, मैं ये हौसला देती थी इसको। तो आप पवन जी जब चंडीगढ़ शिफ्ट हुए तो आपका जो वहाँ का काम था वो भी, अब आप क्या करते हैं? सर मैं सेवादार लग रहा हूँ ठेकेदार के थ्रू, पार्ट टाइम में मैं ऑटो चलाता हूँ सर। अच्छा। हाँ सर। आपकी बेटी का सपना है कि IAS बनने का? हाँ सर, मेरी बेटी का IAS बनने का सपना है सर। मैंने बोल दिया बेटा मैं सारा सब कुछ लगा दूंगा तेरे ऊपर, जहाँ इतना अच्छा लगा वहाँ कर। बिल्कुल, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी आप IAS बनने का जो सपना है जरूर पूरा होगा। अब आगे आपका क्या है, किस तरह से आप आगे आपने प्लान किया? सर प्लस वन मैं ह्यूमैनिटीज चूज करूंगी, सब्जेक्ट जो है। हाँ जी, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, आई विल ट्राई इन DU अगर मैं कर पाई तो, एंड कोचिंग ज्वाइन करने की मैं ट्राई करूँगी अगर कोई कर पाई तो। तो बाकी स्टडी करनी है मन के साथ, आई होप आई विल क्लियर इट। अच्छा, तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? पढ़ाई के बाद क्या शौक हैं और किस तरह से अपने आप को आप फिट रखती हैं? आई लाइक टू लिसन म्यूजिक वेरी मच, एंड मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। अच्छा। पढ़ाई के अलावा मेरी यही हॉबीज़ हैं और बाकी। मैच कैसे आप देखते हैं? YouTube पे सर। अच्छा, तो उसको आप सुनती हैं कमेंट्री पूरा प्रॉपर क्या चल रहा है? हाँ जी। और कौन से क्रिकेटर फेवरेट हैं आपके? विराट कोहली। IPL भी देख रही होंगी आप? हाँ जी। अच्छा, कभी मिली हैं किसी क्रिकेटर से? नहीं नहीं। और एक और क्वालिटी जो बता रहे हैं कि मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, आपको गुना करना है 6 9 8 5 2 को 38 से। 6 9 8 5 2 38 से 38 6 7 कैरी 6 9 8 5 2 6 9 8 5 2 को 38 से। ओके 7 5 सॉन्ग 380 190 प्लस उसके बाद है 7 तो ये भी क्वालिटी है कि अगर आप कोई मल्टीप्लाई करें तो वो भी काफ़ी अपने माइंड में उसको गुना करके बता देती है। हमने एक नंबर दिया था और ये नंबर बता दिया है, तो ये कब आपके चीज़ आपको क्या फास्ट आपके अंदर ये चीज़ आती है कैलकुलेशन की? सर ये व्हेन आई वाज 8 or 9 years old सो प्रैक्टिस करवाते थे फादर, तो उसी टाइम से क्विक लाइक होता गया धीरे धीरे। अच्छा। तो
खैर अभी मेरे पास मैथ सब्जेक्ट तो नहीं है, हम 8 तक ही करते हैं, पर हाँ फिर इसकी प्रैक्टिस होती रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और काफ़ी ऑल द बेस्ट, आप IAS बने, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये थे काफ़ी और उनका परिवार, जिस तरह से मुश्किलों से निकला और फाइनली अब 10वीं में जो है 95.2 मार्क्स हासिल किए और IAS बनने का सपना है, हमें उम्मीद है कि सपना जरूर पूरी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिंदर सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।